एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया का बयान, संकट की घड़ी में कांग्रेस ने हरदम राजनीति से दूर रहकर सरकार का किया सहयोग। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हमेशा कहा कि हम सेवा भाव में लगे हैं, हम भोजन राशन की व्यवस्था की, साझा रसोई की व्यवस्था हर जिले में की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, संबल, कंजा, अयोध्या, संबल, कन्नौज सहित दर्जनों दलितों पर हुई घटनाओं पर कोई चिंता नहीं है सरकार को। पीएल पुनिया ने केसीएन टीवी चैनल से भी एक्सक्लूसिव बात की और कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ अच्छे कामों में साथ है और कोरोना वायरस के मद्देनज़र गरीबों को राशन की व्यवस्था के साथ है, परंतु कई जगहों पर घटनाएं घटी, उसकी चिंता सरकार को नहीं है, यह बहुत दुख की बात है। सरकार ने उन मजदूरों के प्रति जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, शोक संवेदना भी देना उचित नहीं समझा। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार की रिपोर्ट पर डालें एक नज़र। हिलना कोई बात नहीं। मैं आभारी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, कि हमने ये ऑर्गेनाइज किया। इस संकट की घड़ी में तो वो भोजन की व्यवस्था, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था, ये सब पूरा उपलब्ध कराया। और जब पैदल गरीब लोग चलने लगे, मजदूर चलने लगे, तो सारी रसोई वाले मजदूर भाई, उनके लिए व्यवस्था की। और उनकी महानता है जब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अपना क्रेडिट लीजिए, 1000 बसेज हमने दी है, अगर उसमें कमी हो तो आप बता दीजिए, हम वो भी भेज देंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप मजदूरों को ले जाइए, उनको गंतव्य स्थान पर पहुँचाइए। हम किसी भी स्वरूप में यह राजनीति नहीं करना चाहते। आप अपना भारतीय जनता पार्टी का बैनर और झंडे लगा के चाहे ले जाइए, लेकिन वहीं से राजनीति शुरू। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये मत रखा है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे और सरकार को हर हालत में समर्थन देंगे, चाहे CWC की बैठक का प्रस्ताव हो, चाहे राहुल गांधी जी ने विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की हो, प्रेस की तरफ से अनेक बार सवाल पूछने पर भी उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। KCN TV चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ।